हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतियोगी परीक्षा ड्यूटी की राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने की मांग। सिरोही भारतीय मजदूर संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतियोगी परीक्षा ड्यूटी के लिए तय मानदंडों के अनुसार राशि भुगतान की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न कराने में केंद्रीय अध्यक्ष, सहायक वीक्षक, लिपिक, सहायक कर्मचारी सबको निर्धारित राशि मिलती है। बिना राशि के कोई कार्मिक कार्य नहीं करता है, लेकिन मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शहरी क्षेत्र में BMHO नर्सिंग स्टाफ के साथ ड्यूटी पर लगा देते हैं। पूरे दिन प्रतियोगी परीक्षा कार्य के सहयोग के बदले कुछ भी नहीं मिलता है। रीट परीक्षा में सहायक कर्मचारी को 1,000 रुपए की राशि मिली। परीक्षा में काम करने वाले सबको निर्धारित राशि मिली, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ भी नहीं दिया गया। अब पटवार भर्ती परीक्षा में भी शहर क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को BMHO ने नर्सिंग स्टाफ के साथ लगाया है। पटवार भर्ती की 24 तारीख को करवा चौथ के व्रत वाली कार्यकर्ता भी है। बिना अतिरिक्त मानदेय के मानदेय कर्मियों से अतिरिक्त कार्य लेना शोषण की पराकाष्ठा है। राव ने संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को भेजकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग की। भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती इंदु बाला ने इस शोषण से सभी कार्यकर्ताओं को निजात दिलाने की राज्य सरकार से अपील की। भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती इंदु बाला ने इस शोषण से सभी कार्यकर्ताओं को निजात दिलाने की राज्य सरकार से अपील की। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए श्रीमती तारा देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिरोही, इन्होंने ये कहा। प्रत्येक परीक्षा में हमको लगाते हैं, लेकिन इसके बदले में हमको मानदेय कोई नहीं मिलता, जबकि हम पूरे दिन ड्यूटी करते हैं। कौन कौन सी परीक्षा में लगाया आपको? अभी रीट की परीक्षा में भी हमको लगाई ड्यूटी, उसमें और पटवारी परीक्षा में भी हमको लगाया है, जिसका कोई मानदेय नहीं मिलता आज तक। रीट की परीक्षा में सबको सहायक कर्मचारियों को 1,000 रुपया मिला था, क्या आज तक आपको 1,000 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। और अभी पटवारी परीक्षा में आपको ड्यूटी में भी हमको लगाते हैं, पर आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ। मतलब आपसे काम तो पूरा लिया जाता है, लेकिन आपको मानदेय नहीं देते हैं? नहीं देते, एक दिन बाकी, कभी मानदेय नहीं दिया हमको। तो रीट परीक्षा का अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। और पटवारी परीक्षा में ड्यूटी वापस लगाई है? वापस लगाई है। रविवार को करवा चौथ भी है हमारे, तो भी ड्यूटी लगाई है। धन्यवाद। जागरूक टीवी की पोसाले से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।